हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। लाखों करोड़ों का टैक्स वसूल कर शहर का विकास करने के लंबे चौड़े दावे करने वाली नगर परिषद रेवाड़ी की ओर से बिजली विभाग का बकाया 8 करोड़ का बिजली का बिल अदा न करने पर विभाग ने कल देर शाम नगर परिषद का बिजली कनेक्शन ही काट दिया। इसके चलते यहां के अधिकांश लोगों के काम अधर में लटक गए। हद तो तब हो गई जब नगर परिषद में बिजली न होने के कारण शमशान घाट का जनरेटर उठाकर नगर परिषद में लगा दिया गया। नगर परिषद के हेड कंप्यूटर ऑपरेटर बिल अदा न कर पाने पर कनेक्शन काटने की बात कबूल रहे हैं, जबकि नगर परिषद के एमई इस बात को दबाने पर आमादा हैं। रेवाड़ी से हमारे संवाददाता भानु शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? यहाँ किस पोस्ट पर? लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, कारण? कनेक्शन काट दिया सर। कब कटा है? कल कटा है सर। बिल की वजह से? बिल नहीं भरा। हाँ, तो काम नहीं हो रहा बिल्कुल भी? काम ज़्यादा इन्वर्टर वहाँ हो रहा है, और जहाँ इन्वर्टर नहीं वहाँ के लिए जनरेटर के लिए तेल लाने गए हैं। तेल लाने के बाद काम शुरू हो जाएगा सर, वो डाल रहा तेल का। सर कल से नगर परिषद में लाइट नहीं है, क्या कारण है ये? कोई लाइट में खराबी है। लाइट में खराबी है, कनेक्शन काट दिया बताया बिजली बिजली विभाग ने। के बारे में तो नहीं कह रहे, बिल ड्यू चल रहा है करोड़ों रुपए का। ना ना ना, ऐसा कोई मैटर नहीं है। उनको फोन कर दिया, कंप्लेंट कर दिया, वो कह रहे हैं कि जी हम आके ठीक करें। नहीं कल से लाइट नहीं है, और फिर नहीं कल से तो नहीं, सुबह से लाइट नहीं है। कल थी लाइट, कल कह रहे 3-4 बजे के आसपास काट दी गई। ना ना, थी लाइट, सुबह से नहीं है लाइट। जनरेटर चल रहा है, हमने जनरेटर चला रखा। जनरेटर तो अभी चला है 2 मिनट पहले ही, जबकि 12 बजने को है। खराबी आ गई थी, वो ठीक करवा दिया, चालू हो गया। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।